फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीतम क्लब यूट्यूब चैनल। आई एम प्रीतम जाना। आज मैं बहुत ही गुस्से से पागल हो गया जब मैं ये न्यूज़ देखा। ठीक है दोस्तों, तो ये न्यूज़ आसूस जेनफोन मैक्स प्रो के बारे में है। और अगर आपके पास आसूस जेनफोन मैक्स प्रो M1 है तो ज़रूर इस वीडियो को आप एंड तक देखना, ठीक है। और जान लो इस वीडियो से क्या फ्रॉड होता है इंटरनेट में, ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं वीडियो को चालू करने से पहले आपको एक चीज़ बताने वाले हूँ कि आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और मुझे भी मालूम पड़ जाएगा आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए। उसके बाद मैं उस टाइप का वीडियो भी बना के अपलोड करूँगा, इससे मुझे भी थोड़ा हेल्प मिलेगा और आपको भी वीडियो मिलता जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ वीडियो कैसा लग रहा है और सब्सक्राइब जरूर करना। सो फ्रेंड्स, Asus Zenfone Max Pro M1 जिसमें ऑलरेडी 8.1 Oreo इंस्टॉल है, ठीक है। मगर कल मैं देखा इस न्यूज को, Asus Zenfone Max Pro M1 Android P OS अपडेट इज हियर, ठीक है। मगर दोस्तों, ये जो Android P जो दे रहा है Asus Zenfone Max Pro M1 में, इस धोखे में मत पड़ना, क्योंकि ये जो Android P दे रहा है वो एक अनऑफिशियल Android P वर्सन है। वो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिखा रहा है अनऑफिशियल Android P डेवलपर प्रोवाइड 3 पोर्ट, ठीक है। इसका मतलब है कि ये अनऑफिशियल एक Android P वर्सन है, इसमें बहुत बग्स भी आ सकता है। अगर आपका खुद का मर्जी है तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करके Android P इंस्टॉल कर सकते हो। मगर दोस्तों, आप 11,000 और 13,000 से ये मोबाइल खरीदे हो, बहुत ही एक बढ़िया काम करता है इस फ़ोन का बैटरी, कैमरा, फुल जो मोबाइल का जो स्पीड है, जो इसका गेमिंग पावर है, सब कुछ इसमें बढ़िया काम कर रहा है अभी। और Asus मंथली जो अपडेट्स है, एक दो अपडेट करके दे रहा है। इसीलिए अगर जनरली Android P आता है तो Asus ज़रूर देगा, क्योंकि Asus ने प्रॉमिस किया था इस मोबाइल को जब वो ग्लोबली पब्लिश किया था, तो तब वो बोला था कि इसमें और भी दो अपडेट मिलेगा। इसका मतलब Android P और नया और एक जो लेटेस्ट Android वर्सन आएगा वो भी मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये जो अनऑफिशियल Android P अभी यहाँ पर फेक न्यूज आया है, इसको इसके धोखे में पड़ना ज़रूरी है। क्योंकि देखो, आपका फ़ोन का आपको क्या करना पड़ेगा, बूट करना पड़ेगा। बूट करने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन देगा, आप रूट करो। तो रूट जब भी आप करोगे तो आपका मोबाइल का जो वारंटी पीरियड है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपका मोबाइल बग से भर भी सकता है, ठीक है। Asus कोशिश कर रहा है कि छोटा छोटा जो बग्स है उसको सॉल्व करके उसके बाद ही Asus आपको Android P देगा। Android P कोई बड़ी बात नहीं है, Android Oreo जैसा ही है, मगर एक लेटेस्ट Android वर्जन है। फिर भी मुझे लगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, तो मैंने दिया आपको। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, देखो Android P अपलोड होने के बाद स्क्रीन कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको, ठीक है। मगर दोस्तों, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आपकी खुद का अगर Asus Zenfone Max Pro M1 है तो आप इस धोखे में मत पड़िए। Asus ने जब आपको ऑफिशियली देगा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मैं आपको बता दूंगा कब आएगा, ठीक है। और कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम आया तो मुझे बताओ अभी तक। और इस एंड्रॉयड अनऑफिशियल जो एंड्रॉयड वर्सन है, इसको इंस्टॉल मत करो आपके फ़ोन में, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे और भी कुछ नया और सच इन्फॉर्मेशन लेके आपके सामने मैं आऊँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।